नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डागोर। अभी हम हैं ब्याना मोड़ के नज़दीक में, जहां जो रोड का काम चालू कर रखा है और प्रोग्रेस पे है ये रोड। और इसमें जो अधिकारी अयन जयन एक्सियन वगैरह आए हैं और इन्होंने क्या रोड की जो नाप और क्या क्वालिटी है उसके बारे में जाँच की है, और मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊँगा और जो कितनी इंची में होती है वो सारी चीज़ आपके लिए डिस्प्ले पर देख सकते हैं आप। सर, जो आपने ये रोड बनाया है ना, तो इसमें कितना इंची होना चाहिए ये मटेरियल? इसमें 12 इंच लिया गया है। अच्छा, 12 इंच की मोटाई ली गई है, लेकिन सब जगह हमारा 13 इंच, 12.5 इंच, 12.6, बिल्कुल मतलब 12.2, 12.5 से कम कहीं नहीं है। कोई क्वालिटी में समझाइश तो हल्का या कुछ थोड़ा सा दिख, कोई समझाइश नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल एक्शन साहब। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। इनके द्वारा जाँच की जा रही है, पूरी टीम पे पहले भी जाँच की जा चुकी है, बार बार जांच करने के उपरांत भी क्वालिटी में किसी में कोई कमी। सर, इसको एक बार और आप, सर आप एक बार नाप के दिखाएं, जो कितनी हाइट होती है इसकी, कितनी नहीं रूप सिंह आप। हाँ, देखो सर, ये 13 इंच आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। इसकी उसे पे लगाओ, उसकी पे लगाओ, ये 14 इंच, ये 13.2। अच्छा, जबकि होना चाहिए 12। बिल्कुल नहीं, क्वालिटी अब उस पे लगा दो, अच्छा लग रहा है पिछली बार से। पिछली बार जो बना ना ये रोड किसके अंडर में बना ये तो हम कह नहीं सकते सर, पर अभी आपने जो रोड की क्वालिटी दिखाई है वो वाकई में काबिलियत तारीफ है। और सर, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कितने करोड़ का ठेका है इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल दे दें मेरे दर्शकों के लिए थोड़ा सा। सर, मेरा निवेदन है, हाँ, ये काम आरओबी से पुलिस थाना, जलसेन पुलिस थाना तक ये स्वीकृत है। बिल्कुल, ये 19 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और संवेदक का वर्क ऑर्डर 14.92 करोड़ का ही है। बिल्कुल, मतलब 14.5 करोड़ रुपए का ये स्वीकृति है, जिसमें दोनों साइड 7 मीटर सीसी है। जहां सीसी क्रैक्ड है वो क्रैक्ड सीसी को हटाकर नीचे 6 इंच डीएसपी, उसके ऊपर 4 इंच डीएलसी करवाई गई है, उसके ऊपर ये 12 इंच की थिकनेस की सीसी ले गई थी, जिसके लिए उसमें हम 12.5 और 13 इंच हमारी मोटाई पाई जा रही है। बिल्कुल, इसके अलावा जहाँ सीसी का सर्वे सही होगा वहाँ हम उस सीसी को नहीं तोड़ेंगे, हम उसी की सीसी के ऊपर जितनी हमारी एडजॉइनिंग में सीसी आएगी 8 इंच से 10 इंच मोटाई तक सीसी उसी के ऊपर करेंगे। ये कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है सर? इसका कंप्लीशन पूरा अभी 20 मई तक पूरा था। अच्छा, लेकिन इसमें परेशानी ये आई कि सब शुरू से इसमें पानी की लाइन इस वे में आ गई थी, पानी की लाइन को हटाने का कोई प्रोविजन हमने इतना ज़्यादा नीले रखा था, उन्होंने बिना एनओसी हमसे पानी की लाइन डाल दी गई थी, बहुत पुराने ज़माने में डाली थी, लेकिन उस पानी की लाइन को टूटने के वजह से लोग परेशान हो गए, इसलिए पानी की लाइन को बार बार रिपेयर करते हुए इस सीसी की हम प्रगति दे रहे हैं, इस कारण हम इसमें डिले हो गए। आगे 1.56 करोड़ रुपये का पानी की जो सप्लाई का डिमांड नोटिस भी उन्होंने मांगा था, जिन्हें हमने स्वीकृति के लिए श्रीमान हमारे मुख्य अभियंता महोदय को एडिशनल सेक्रेटरी को भिजवा दिया गया है। स्वीकृति आने के उपरांत वो इस की लाइन को नया डलवा देंगे, लेकिन पानी विभाग से कॉपरेट करते हुए हम इस काम को लगातार जारी कर रहे हैं, अन्यथा हमको लाइन डलने के बाद में ही काम करना था। ऐसे मतलब क्या मेरे दर्शक पूछना चाह रहे हैं सर, है ना, कि कब तक ये लाइन मतलब क्या रोड क्लियर हो जाएगा? अगर हमको सब लोगों का कॉपरेशन मिला तो 20 मई तक पूरा होना था, लेकिन पानी की लाइन और बिजली की लाइन दोनों ही नहीं हटाई गई थी, इसकी वजह से डिले हुआ था। इसको मैक्सिमम 2 महीने में हम पूरा कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर, है ना। और मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि जो ब्याना मोड़ से और ये रेलवे स्टेशन की तरफ जो ये रास्ता जा रहा है रोड, आप देख सकते हो अभी क्या इसकी पानी वगैरह जैसे भी कम्प्लीट हुई नहीं, और पानी की लाइन की वजह से अड़चने आ रही थी, और काफ़ी ट्रैफिक होने के बावजूद भी इन्होंने दो महीने का समय मांगा है। अच्छा, क्या नाम है? सर, आप कुछ कहना चाहोगे सर क्वालिटी के बारे में? बात जगह तक हो सकता है, सभी जगह सही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल,
और अभी इसकी लैब में जांच करेंगे ताकि इसका देखभाल करेंगे। बिल्कुल, अभी सैंपल के लिए क्वालिटी कंट्रोल करौली लेके जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा बता दो। और जो जो थिकने का अभी चल रही थी आपकी थिकनेस, उसके बारे में भी मतलब क्वालिटी सही निकली थी उसमें? मोटाई बिल्कुल सही, मोटाई और चौड़ाई पूरी सही। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर आपके लिए। और आप देख सकते हैं ये रोड है। और सर इसकी जो पानी वगैरह जैसे छिड़काव वगैरह होता है वो सुबह शाम चल रहा है कि सर? अच्छा अच्छा, वो सुबह शाम चल रहा होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो गीला गीला दिख रहा है रोड। हाँ हाँ, ये रोड गीला भी देख सकते हो आप, है ना? हाँ हाँ, फिर भी गीला है बिल्कुल। फिर इसमें जैसे बीच में कुछ है कैसे इसमें लगवाने के लिए? हाँ बिल्कुल, डिवाइडर बनेगा। डिवाइडर जब उधर की साइड का सीसीएम बना देंगे तब डिवाइडर कंप्लीट। जब डिवाइडर फिर बीच में कुछ पेड़ वगैरह कुछ उसमें है क्या कुछ जैसे पहले? तो ले रखा है, लगा। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। आप देख सकते हो इतने भी बढ़िया बढ़िया अपने हिंडौन में जो लगे हुए अधिकारी हैं, बाकी बहुत अच्छी क्वालिटी जो अच्छे। और इसमें कई लोगों ने थोड़ा सा गलत दिखाया, वो क्या कारण रहे दिखाने की वो तो खुद ही जानते होंगे, मगर जो क्वालिटी है अभी क्वालिटी और अभी करौली जाके और कंप्लीट 100% तो हम कह नहीं सकते, पर 100% के लिए उन्होंने गारंटी ली है। और इसमें जो जितने भी एमएम के लिए बोला है उनसे फालतू ही एमएम जो क्वालिटी के दिखाया है इन लोगों ने वो दिखाया है। और आप इधर भी इन्होंने जो इस सीसी के नीचे थिकनेस वगैरह होती है उसको भी ये खुदाई कर रहे हैं। और काफ़ी इसकी भी कितने इंची में होती है, ये कितना इंची होती है मालूम है क्या आपको? 4 इंची होती है ना? अच्छा अच्छा सर, इसको और दिखा देना एक बार मेरे दर्शक सर, है ना, एक बार इसको इसके फीता लगा के इसका फीता लगा के और देख लें सर, है ना? चार इंच की जगह देखो 5 इंच आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं आपने जो काम करवाया में थोड़ा सा फालतू ही दिख रहा है हर चीज। बिल्कुल सर, हाँ सब आया है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये भाजपा के पूर्व। हाँ सर, आपको कैसा लगा सर? देखो आप विपक्ष वाले हैं, है ना? मैं गोपाल बंसल, मेरे सामने ही मेरी दुकान के सामने ये रोड बन रहा है। वास्तव में इन्होंने रोड बहुत अच्छा बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बस काफी लोग और रोडों के जो कर रहे हैं ना, पानी की लाइन रोड टूटती थी। हाँ, मेरा घर भी यही है। अच्छा, जब जब मैं कंप्लेन करता था ये पानी की लाइन को रिपेयरिंग करवाते थे। हाँ, उसके वजह से ये रोड वास्तव में बहुत डिले हुआ। बिल्कुल, और आज भी पानी की लाइन काफी जर्जर स्थिति में। अच्छा, फिर भी नए रोड बनाए, आप देख सकते हैं बगल में जाके ये हमारे तमाम घर है। हाँ हाँ, ये इनकी पानी की लाइन जो दुकानों के पीछे घर है आपके, है ना? पूरे घर है। हाँ हाँ, हम लोगों के घर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप खुश हो ना इस रोड से? रोड जो अच्छा बन रहा है, क्वालिटी अच्छी है। हम चाहते हैं कि सारे अवरोधों को दरकिनार करके ये रोड जल्दी से जल्दी पूरा करें। बिल्कुल, ये बेमतलब की शिकायत है, इनको करने से कोई सेंस नहीं है। बिल्कुल, रोड बढ़िया अपनी प्रगति पर चल रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। चलो धन्यवाद। मैं जो अपने विपक्ष वाले हैं, जैसे सरकार है हमारे राजस्थान में कांग्रेस की, और हमारे जो बीजेपी के भी लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसमें कारण ये अच्छी चीज़ लगा रहे होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे, इस वजह से तो ये लोग और अच्छी काम की तारीफ कर रहे हैं। इतना ही दिखाऊंगा और आगे के लिए नेक्स्ट और